हेलो गाइस, कस्टमर की शिकायत है कि हम टीवी रिमोट से हमें ऑन करना पड़ रहा है। हम चाहते हैं कि बोर्ड पे से हम स्विच ऑन करें, ठीक है, और टीवी हमारा डायरेक्ट ऑन हो जाए, यानी कि हमें रिमोट से ऑन करना ना पड़े टीवी। अभी देखो, जैसे कि यहाँ से टीवी बंद है अभी हमारा, ना ये बोर्ड का तार लगा हुआ, अब यहाँ से टीवी कर दिया हमने ऑन, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, इसमें लाइट आ गई है टीवी में, ये लाइट आ रही है, ठीक। अब मुझे क्या है, रिमोट से ऑन करना पड़ेगा इस टीवी को। ये मैंने रिमोट से ऑन किया, ये टीवी ऑन हो गया। कई बार क्या होता है कि सेटिंग्स चेंज हो जाती हैं। अब बहुत से कस्टमर ये भी बोलते हैं कि भैया पहले तो ऐसा चल रहा था, अभी ऐसा हो रखा है, तो समझ में चीज़ें नहीं आती हैं। लेकिन ये सेटिंग कैसे होती है चेंज, वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें ये टीवी ऑन हो गया है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसकी जाना है सेटिंग पे, जो HDMI की सेटिंग होती है ना, HDMI वाला जो पोर्ट होता है, हमें उस पर जाना है, ठीक। ये आएंगे हम यहाँ से सेटिंग्स पे, सेटिंग पे आ गए। अभी आएंगे इनपुट पे, इनपुट पे ओके कर देंगे हम, इसको ओके कर दिया। अभी आ गया HDMI 1, तो ये चाहे 1 पे कर लो, 2 पे कर लो, 3 पे कर लो, 4 पे कर लो, किसी भी कर लो। अब रिमोट में जो ये बटन है, ये हमारे बटन दे रखा है रिमोट में, जो मेन्यू का बटन होता है, पहले मेन्यू लिखा हुआ आता था, बट अभी जो है लिखा हुआ नहीं आता है, ठीक है। ये वाले जिस पर 3 डॉट बन रहे हैं, तो इसको मैं दबाऊंगा एक बार, ये आया। अब इसमें क्या है, हमें जाना है एडवांस ऑप्शन, एडवांस ऑप्शन को हम ओके करेंगे। ये हमने ओके कर दिया। अब इसमें क्या है, 1, 2, 3, 4 ये जो बटन दे रखे हैं रिमोट में, ठीक है, ये सेटिंग खुल के आ जाएगी। अब मैं एक बार और दोबारा करके बताता हूँ, पीछे बैक कर करके, ठीक। सबसे पहले हमने इस बटन को दबाया, ये दबा दिया हमने। अब जाएंगे हम एडवांस ऑप्शन पर, ये आ गया हमारा एडवांस ऑप्शन, इसको हम ओके कर देंगे। ये कर दिया ओके, ठीक। अब इसमें दो बार हमें ये वाला, एक बार ऊपर वाला, एक बार राइट वाला, यानी कि दो बार हमें लेफ़्ट वाला बटन प्रेस करना है, और एक बार अप वाला, और तीसरी बार करना है हमें राइट वाला, यानी कि दो बार इधर वाला, एक बार ये और एक बार ये, तो हमारी सेटिंग्स ये वाली खुल के आ जाएंगी, ठीक। अब हम इसमें नीचे आएंगे, ये आ गया अदर ऑप्शन, ठीक, और करीब में दिखाऊँ, ये आ गया अदर ऑप्शन, तो हम इसी पे ओके कर देंगे। अब इसको ओके कर दिया, अब ये सारी फाइल्स खुल के आ गई हैं, तो हमें जाना है इस पे पावर ऑन मोड, ये लिखा हुआ रहा पावर ऑन मोड सेकेंडरी, तो हम इसको चेंज करेंगे इस वाले बटन से, राइट वाले से। मेमोरी डायरेक्ट, या आ गया डायरेक्ट, तो हम डायरेक्ट पे ओके कर देंगे इसको, ठीक है। डायरेक्ट पे ओके जब कर देंगे हम जाएंगे फिर बैक। अब एक बार फिर भी चेक कर लेते हैं वहीं जा करके कि हाँ वो वहीं है या वहाँ से चेंज हो गया है। ये गए दोबारा से एडवांस ऑप्शन, ठीक है, फिर दोबारा से ये आ गया खुल करके। अब आ गया अदर ऑप्शन, इस पर ओके किया, तो अब ये आ रहा है देखो पावर ऑन मोड डायरेक्ट, तो ये डायरेक्ट ही रहेगा, ठीक है। अब हम बैक चले जाते हैं, अब आ गए हम होम पर, ठीक। अब यहाँ से ऑफ़ करिए अंकल जी, यहाँ से ना टीवी ऑफ़ कर दीजिए, ऑफ़ करिए, ये हो गया टीवी हमारा ऑफ। ऑन कीजिए वहाँ से, ये हो गया टीवी हमारा ऑन। ये देखिए, रिमोट से हमें खोलना नहीं पड़ा, टीवी डायरेक्टली ऑन हो गया, जबकि रिमोट हमारा ये रखा है अलग ही, ये रखा है रिमोट, ठीक, और टीवी ऑन हो गया है डायरेक्ट, यानी कि स्विच पे से बटन ऑन करो और टीवी ऑन हो जाएगा। अगर ये वीडियो आपको जो है पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।